आज हम आपको इंग्लैंड के ऐसे इलाके में लिए चलते हैं जिसकी पहाड़ी वादियां और रूमानी बाग दूर दूर तक फैले हैं। इसकी खूबसूरती ही है जिसके कारण कॉट्सवॉल्ड नाम के इस 2000 वर्ग किलोमीटर में फैले इलाके को इंग्लैंड का दिल भी कहा जाता है। इंग्लैंड जैसे कि कोई तस्वीर हो, देश के बीचों बीच कॉट्सवॉल्ड का इलाका। कहते हैं कि इन वादियों ने J.R.R. टॉल्किन को द लॉर्ड्स ऑफ द रिंग्स की प्रेरणा दी थी। यहाँ की दर्शनीय चीजों में बाइवरी गांव और उसकी 17वीं सदी की सड़क एर्लिंगटन रो है, या फिर बर्टन ऑफ द वाटर जो अपनी छोटी छोटी नहरों के कारण कॉट्सवॉल्ड्स के वेनिस के रूप में जाना जाता है। छोटी पहाड़ियों वाले कॉट्सवॉल्ड्स को इंग्लैंड का दिल भी कहा जाता है। चूंकि ये पहाड़ियाँ इतनी सेहतमंद करने वाली हैं कि रोमन यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पूरे कॉट्सवॉल्ड्स में भेड़ों को पालना शुरू किया। यहाँ सारे रोमन साम्राज्य के लिए ऊन बनाया जाता था। लेडी एशकेम सडेली कासल में रहती हैं, जो विंचकॉम गांव से ज्यादा दूर नहीं है। इस महल का इतिहास कम से कम 12वीं सदी तक जाता है। ये इलाके के समृद्ध इतिहास का सबूत है। आज इसके एक हिस्से को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। ये महल काफी समय तक ब्रिटिश राजशाही की मिल्कियत था और इंग्लैंड के राजा हेनरी 8वें के भी यहाँ आने की बात है। हेनरी की मौत के बाद उनकी आखिरी पत्नी कैथरीन पार ने थॉमस जेमूर से शादी कर ली, जिनका ये महल था। उसके बाद वे मौत तक यहीं रहती थीं। उन्हें यहीं गार्डन में स्थित चर्च में दफनाया गया है। आप इस इलाके के दौरे पर हैं तो एक और ब्रिटिश खासियत से भी परिचय होना चाहिए। यह है दोपहर की चाय। यहाँ चिपिंग कैमडेन के बेजर्स हॉल की तरह हर समय चाय पी सकते हैं। चाय के साथ परंपरागत रूप से छोटे सैंडविच और स्ट्रॉबेरी जैम और क्लॉटेड क्रीम वाले स्कॉन्स भी दिए जाते हैं। इस परंपरा की शुरुआत 17वीं सदी में इसलिए हुई कि दोपहर और शाम के खाने के बीच लंबा समय होता था। थोड़े ही दूर पर ब्रॉडवे टावर है। अच्छे मौसम में यहाँ से 13 काउंटी को देखा जा सकता है।